नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी और हमारे साथ में मान सिंह जी गौड़। कई जड़ी बूटियों की जानकारी आपको दे चुके हैं, घरेलू इलाज जैसे पाइल्स की और टाइफाइड की। तो अब आपको पीलिया के इलाज के बारे में बताने जा रहे हैं कि पीलिया के इलाज भी, जो इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है, वो इलाज हमारे पास में देसी जड़ी बूटी का से इलाज किया जाता वो है। तो दोस्तों, आप जानिए कि पीलिया का इलाज कैसे जड़ी बूटी से, घरेलू उपचार से किया जाता है। वैसे किसी के अगर पीलिया हो जाता है, अगर पीलिया होने के बाद में डॉक्टर्स का इलाज से भी अगर पीलिया नहीं बैठ रहा, तो आप ये जो खाने का सोडा है, एक चम्मच जैसे आपने मुंह में डाला, गाय का एक गिलास दूध लिया और उसको ऊपर से पी लो। कंटिन्यू 5 दिन तक आप एक चम्मच सोडा और गाय का दूध अगर पीते रहे तो आपका 5 दिन में साफ हो जाएगा। सोडा कौन सा खाने खा के उसके बाद गाय का दूध, जैसे आपने मुंह में वो एकदम भरता है, झाग आता है उससे, सोडे से। हाँ। तो आपने मुंह में डाला, मुंह में डालते आपका गिलास सामने रखा हुआ है, गाय का दूध होना चाहिए, प्योर गाय का दूध मिलना चाहिए। हाँ। मतलब वो मिलावट का नहीं होना चाहिए। हाँ। गाय का दूध से एक गिलास उसके ऊपर पिया, वैसे कंटिन्यू 5 बार पी लो 5 दिन तक, आपका पीलिया खत्म हो जाएगा। 5 दिन भी, हाँ, 5 दिन के बाद में आप चेकअप करवा लो, आपको 1% भी पीलिया नहीं रहेगा। मतलब ये कि बॉडी में जो हीमोग्लोबिन टाइफाइड में कहते हैं कि काफ़ी डाउन हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन वापस आपका कवर हो जाएगा उससे। तो ये देखिए, आप आपको बता रहे हैं कैमरे के सामने, ये खाने का सोडा जो आपके रसोई में आपके घर, ये खाने का सोडा है ना, ये इसको एक चम्मच जैसे ही लिया, मुंह में डाला, मुंह में डालते गिलास में दूध होता है, इसको डालते ही ऊपर से दूध पी लिया, गिलास उठा के दूध पीने के बाद में आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। पीने के बाद में वैसे कंटिन्यू डेली 5 दिन भूखे पेट में लेते रहो। भूखे पेट लेने के मतलब जल्दी असर करेगा। हाँ, सुबह भूखे पेट में आपको, जैसे आपने कुल्ला फांकना किया, आप सुबह उठे इसको पिया, दूध पिया, दूध पीने के बाद में आधा घंटे बाद में आप चाय लो। तो कितने दिन लेना पड़ता? पाँच दिन में आपका ये पीलिया खत्म हो जाएगा। तो इस दौरान खाने पीने का कोई परहेज वगैरह? कोई परहेज नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आप आराम से खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं ना। कुछ लोग कहते तेल खटाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दारू का थोड़ा परहेज रखे, दारू ना पिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो पीलिया है जिसमें आदमी की कई बार जान भी जा सकती है, ऐसी स्थिति में तो आप अगर विश्वास करते हैं तो आप एक प्रयोग घर पे करके देखें, अगर विश्वास नहीं है तो आप ना करें, क्योंकि हम आपको जो भी जानकारी दे रहे हैं प्रैक्टिकल में आजमाई हुई जानकारी आपको दे रहे हैं। तो अगर आप विश्वास करते हैं तो आप करके देखिए, इसमें लेने के बाद भी कोई नुकसान नहीं है। क्यों मान सिंह जी, अगर मान लो अगर आपको फायदा नहीं हुआ तो नुकसान भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं है, तो आप करके देखिए। ये बहुत ही अच्छी जानकारी मान सिंह जी ने हमें दी है। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाइए। मान सिंह जी, चलते चलते एक बार आप अपना नंबर और बता दीजिए कि कोई भी आपसे संपर्क करना चाहे, इसके बारे में जानकारी लेना चाहे, तो आपका अपना मोबाइल नंबर बता दीजिए। 8890684027। धन्यवाद दोस्तों।